चंदन क्यारी प्रखंड के नौडीहा पंचायत के मुस्लिम अंसारी की बेटी सामा खातून ने गोवा स्टेट में नेशनल चैंपियनशिप स्केटिंग गेम स्वर्ण पदक जीतकर गोवा स्टेट के साथ साथ चंदन क्यारी व बोकारो जिला सहित पूरे झारखंड प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर चंदन क्यारी प्रखंड के नौडीहा मोड़ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उमाकांत रजक मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि आज चंदन क्यारी के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। यहां के बेटी ने गोवा स्टेट में स्केटिंग खेल की तैयारी कर नेशनल चैंपियनशिप गेम में स्वर्ण पदक जीतकर गोवा स्टेट के साथ चंदन क्यारी समेत पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल संसाधनों की कमी है। फिर भी जो संसाधन है उसी संसाधन में चंदन क्यारी की गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी के नेशनल गेम में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड के मान सम्मान को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार में संसाधनों की कमी को पूरा करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने समा खातून को बुके व माला पहनाकर सम्मानित किया। समा खातून ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमेशा से खेल के प्रति हमें रुचि है। मेरे पिताजी गोवा काम करने के लिए गए हुए थे, इसलिए गोवा स्टेट से ही स्केटिंग खेल की तैयारी की है। कहा कि मुझे ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य हैं। कहा कि बेटियां चाहने पर किसी भी क्षेत्र में नाम रोशन कर सकती हैं। सम्मान समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी अनवर अंसारी ने की। मौके पर बांसतोड़ा मुखिया विप्लव चक्रवर्ती, अशोक केवर्द, इंतजार अंसारी, शमीम अंसारी, अब्दुल अंसारी, विभीषण अंसारी, राजा अंसारी आदि उपस्थित थे। भोजुरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। बताएंगे कि आप कौन से नेशनल गेम में चैंपियंस स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं? फोर्थ रैंकिंग नेशनल चैंपियनशिप। कहाँ से, मतलब आप अथी कर रहे थे, स्टडी कहाँ से कर रहे थे? स्केटिंग तो मैं गोवा से कर रही हूँ। तो आखिर इस खेल में कैसे आपको रुचि आया? मैं जब बहुत छोटी थी ना, देखते थे गोवा में बहुत बच्चे करते थे ना, तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया उस पर, तो फिर मैंने भी उसमें ज्वाइन किया। और फिर आठ साल में मैं इतना अच्छा से किया, आज मुझे वो मौका मिला। आप चंदन क्यारी की बेटी हैं, तो फिर आप गोवा कैसे चले गए? गोवा से किसे उसका स्टडी किया? मेरे पापा पहले गोवा में ही काम करते थे, तो वहाँ पर चले गए, तो पूरा फैमिली को भी लेके चले गए, और इसमें हम गोवा में ही बाद में रहने लगे। तो इससे आगे क्या सोचे हैं? इससे आगे सोचे है कि इसे स्केटिंग करने के बाद ओलंपिक में जाएंगे, और वहाँ से भी इंडिया का नाम रोशन करेंगे। आप चंदन क्यारी के और बेटियों को क्या संदेश देंगे? यही बोलना चाहूंगी कि से लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है। क्या नाम हुआ तुम्हारा पूरा? क्या नाम हुआ, नाम क्या है? मेरा समा खातून नाम है। तो ये श्रेय किनको देंगे? मान लीजिए इतने बड़े नेशनल गेम में आप स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं, तो ये श्रेय किनको देना चाहते हैं? मेरे फुल फैमिली को देना चाहती हूँ, और मेरे दादू को भी देना चाहती हूँ। मतलब इनका भी उसमें सहयोग रहा है, हमेशा मदद करते हैं। और आगे की क्या विचार है? आगे की मेरे विचार है बस मैं ओलंपिक में जाऊं, और उसमें भी वैसे मेडल जीतना। इसका ट्रेनिंग आप कहीं ले रहे हैं क्या? अभी मैं गोवा में ही ट्रेनिंग करती हूँ, और कहीं नहीं करती। क्या आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या? यूनिवर्सल रोलर स्केटिंग। आज चंदनकारी का दिवस है, नौडीहा से एक बच्ची गोवा स्टेट से स्केटिंग खेल में नेशनल गेम में सिल्वर और कांस्य पदक जीत कर आई है, और उसी उपलक्ष्य में यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज बड़ा ही गौरव का क्षण है चंदनकारी के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए और देश के लिए, कि एक गांव की बेटी ने स्केटिंग में आज सिल्वर और कांस्य पदक जीत के आई है। हम सरकार से मांग करते हैं, इसका जो भी संसाधन का आवश्यकता है वो संसाधन सरकार उपलब्ध कराए, इसका सुविधा उपलब्ध कराए, कि आने वाले दिन में ओलंपिक में खेलकर इस देश का नाम रोशन कर सके, इस राज्य का नाम रोशन कर सके। चंदन क्यारी के ऐसे बेटा बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी हैं चंदन क्यारी में, वो प्रतिभा उभर कर सामने आए, उन सारे संसाधनों को जो कमी है उस कमी को हम सब मिलकर यहाँ दूर करेंगे, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं चंदन क्यारी।
जिसको हम लोग प्रतिभा को निखार कर इस राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं, इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।